मुझे बैकअप चाहिए। फ्रंट अप, साइड अप। तुम्हारा जानी दुश्मन भी तुम्हारा उतना नुकसान नहीं कर सकता जितना तुम्हारे अपने विचार। बोलो कि तुम मुझे डरा नहीं रहे हो तो मैं शायद शांत हो जाऊं। और अगर मैं कहूं कि मैं डरा रहा हूं तो? आयरन फिस्ट कहां गया? इतना बड़ा इंसान इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकता है? खेल खत्म हो गया दोस्त। नोवा, देख कर निशाना लगाओ ना। वो हर जगह है, वो हर जगह कैसे हो सकता है? नीचे आ जाओ ताकि हम कोई प्लान बना सके। उल्टी बाल्टी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? पावर मैन, व्हाइट टाइगर, दोस्तों एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई चाहता है कि मैं उसकी जाल में फंस जाऊं? तुम बिल्कुल सही समझे, तुम फंस हो। तो कम से कम मुझे इनाम तो मिलेगा ना कि मैं आखिरी मकड़ी हूं जो अब तक खड़ा हूं। नहीं, बचाओ! मैं जीत गया। हाँ बच्चों, ये वही है जीता जाता हीरो, पहला एवेंजर कैप्टन अमेरिका। मेरा स्टीव रॉजर्स, तुम सबसे मिलकर बेहद खुशी हुई। वो सब कितना खतरनाक और मजेदार था, क्या हम वापस कर सकते हैं प्लीज? तीन में से दो बेस्ट। मजाक कर रहे हो? हाँ, वैसे कैप्टन अमेरिका से हमें रणनीति सीखने का मौका कितनी बार मिला है? अब तक तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार। शायद से मैच में तुम वीक हो। शायद से मैच में तुम वीक हो। ये ट्रेनिंग सेशन कैप्टन के वर्क शेड्यूल में नहीं था डायरेक्टर फ्यूरी। कैप्टन के दीवाने मत बनो कोल्सन। ऐसी बात नहीं है, उनके यहाँ पहुँचने से पहले मैंने नियम समझा दिए थे। हालात चाहे जो भी हो, तुम कैप्टन अमेरिका से बात नहीं करोगे, उनकी आंखों में नहीं झांकोगे, उनका नाम नहीं लोगे और जोरों से सांस नहीं लोगे। लगता है कि कैप्टन खूब मजे ले रहे हैं। कैप्टन अमेरिका तो मेरा मतलब वो एक जीते जागते सुपर हीरो हैं। अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया जिससे मुझे शर्मिंदगी हो तो मतलब मैं कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। जोखिम से ज्यादा फायदे हैं, आगे तुम सोचो। ठीक है सब लोग, अगर कैप्टन के साथ प्रैक्टिस खत्म हो गई, मेरे ख्याल से इनको एक और मौके की जरूरत है। तुम तैयार हो? हमारा जीवन तो रोमांच से भर गया है कैप्टन अमेरिका। सो सल्यूट दाहिनी हाथ से किया जाता है। देखो अगर तीन मिनटों बाद भी तुम ऐसा ही महसूस करते हो या नहीं। मैदान तैयार करो, देखते हैं इनमें कितना दम है। हमें इसे रोक देना चाहिए इससे पहले कि कोई दुर्घटना हो जाए। दुर्घटना या हादसा होने से रोके? बस सिर्फ एक बार फिल, फिर हम फ्यूरी की लिस्ट पर नजर डालेंगे। आप मेरा नाम जानते हैं दोस्तों, अब आएगा मजा। ओके, इस बार मैं सबको दिखाने वाला हूँ कि मुझे पावर मैन क्यों कहते हैं। तो तुम पावर मैन हो, ये कैप्टन अमेरिका है, इनकी पावर तुमसे कहीं ज्यादा है। ये सब कहने की बात है। नहीं नहीं, आप इससे कहीं ज्यादा पावरफुल हो। चलो दांव लगाते हैं। तुम में से पहला, कोई भी पहला जो मुझे हराएगा उसे मेरी ढाल मिलेगी। किसी को अंदाजा है मैं इंटरनेट पर इसे किस दाम में बेचूंगा? क्या, मैं तो हीरो बन जाऊंगा। शायद तुम्हें विश्वास नहीं होगा लेकिन नया स्पाइडरमैन मुझे पसंद आया। अवेंजर्स असेंबल, अवेंजर्स डिसअसेंबल, अवेंजर्स असेंबल अगेन। इसमें तो बहुत मजा आ रहा है। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अनोखी शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। अब आएगा मजा। तुम्हारे उस शक्ति पर पूरी तरह निर्भर होने की वजह से तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी तुम्हारी अगली चाल को थाप लेता है। तुम अगर एक जैसी चालें और हरकतें टालोगे तो तुम्हारे जीतने के आसार बढ़ जाएंगे। दूसरों का तो नहीं पता पर मुझे मेरे मूव्स पसंद हैं। ये क्या? ये कॉस्ट्यूम मेरा नहीं है।
निशाना ठीक से लगाओ। तो बीच में क्यों आते हो? जुजित्सु, कंग फू, क्राउ मगा। अच्छा तो सब एक साथ। पकड़ लिया। और ये मैंने बचपन में ब्रुकलिन में सीखा था। तुम्हें तुम्हारी शक्ति के बारे में एक बात जाननी चाहिए कि वो तुम्हारे टूल बॉक्स का औजार है। इसे कहते हैं धोबी पछाड़। तुम पिछली बारी से आधे मिनट ज्यादा टिके। हर जंग तुम्हें सिखा दिए जीतना। शायद बहुत कुछ सीखना बाकी है। चलो आज के दिन के लिए बहुत मजा कर लिया, पर अब कैप्टन और मुझे शील्ड के कुछ महत्वपूर्ण काम पूरे करने हैं। मैं सोच रहा था कि मैं इन्हें कुछ ऐसी बातें मैं उन्हें लिखवाने का बंदोबस्त कर देता हूँ। आप मेरी ऑफिस में आइए। जरूर, मैं इसे यहाँ छोड़ रहा हूँ। तुम इसे छू सकते हो लेकिन इसे फेंकना मत। ये एक हथियार है, कोई खिलौना नहीं। यस सर। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमसे भी कोई ताकतवर है। हमने तो कैप्टन के साथ कदम से कदम मिलाए, मुझे लगा हम पास हो गए। तुम्हें लगता है हमें से कोई उनका चेला बन पाएगा और फिर शील्ड? मैं देखता हूँ। क्या बात है, कैप्टन की बात याद है ना? ये कोई खिलौना नहीं है। हाँ, हम क्यों ना इसे वहीं रख दे जहाँ पर ये था। और हम से मेरा मतलब है तुम नोवा। तुमने सही कहा, मैं ऐसा ही करूँगा इस थ्रो के बाद। तुम ऐसा नहीं करोगे। ओह, इसका वजन कितना कम है। ल्यूक पकड़ो। ओह, ये अच्छा नहीं हुआ। मैं उसे लाता हूँ। शायद अब हमें इसे बचाना होगा। सुनो साथियों, मेरी शील्ड कहाँ है? वेब ग्लाइडर्स, क्या बात है। पहले मुझे कैप्टन की शील्ड को बचाना है, उसके बाद खुद को भी। ओह, फिस दू कहीं की। हे आयरन मैन, क्या हाल है? अब थोड़ा जल्दी मैं हूँ, बाद में मिलता हूँ। माफ कीजिए, मैं आपको नहीं पहचानता, पर रास्ता संभाल कर क्रॉस करिए और गुलाब जामुन लाना मत भूलिएगा। एक्वेरियन एम्बेसी। इसे तो मेरी ही पॉकेट मनी से ठीक करना पड़ेगा। एक मिनट, मिस्टर डूम सर जी, क्या मुझे मेरी शील्ड मिल सकती है प्लीज? डॉक्टर डूम, दुनिया का सबसे बुरा खलनायक। इस शहर में लाखों लोग हैं, पर ये शील्ड जाकर इसी के सर पे गिरी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं हूं। मुझे खुद पर घिन आ रही है। अब मैं करूं तो क्या करूं? क्या मैं नेक सर जी को कॉल करके बता दूं? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जोर का झटका। नहीं नहीं, रहने दो।
तुम्हारा है? हाँ, दरअसल ये मेरा खिलौना है, मैं इसके साथ रोज खेलता हूँ। और तुम्हें क्या लगा ये कैप्टन अमेरिका का है? वैसे कैप्टन अमेरिका का शील्ड मेरे पास कैसे आएगा, मैं तो बस उनकी नकल करता हूँ। नकल किस काम के लिए? वो मेरे हीरो हैं तो बस यूं ही वही खड़े रहो। देखा, आपको सिर्फ प्यार से पूछना होता है। क्या अभी अभी मकड़ी घंटी बजी? नहीं ना। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, वैसे इससे तो मुझे मकड़ी घंटी ने बचा लिया। नहीं 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 नहीं, ओ करूँ तो क्या करूँ? इस धूम मिसाइल को ऑफ कैसे करना है कोई बताएगा? कमाल कर दिया। वैसे मेरी स्पाइडी बाइक पर खरोच तो नहीं आई ना? आप मुझसे एक बार पूछ लेते, मैं ना थोड़ी ना कहता। मेरी शील्ड कहाँ है? ओह हाँ, बड़ी मजेदार कहानी है वो। तुमने उसे कैरियर से बाहर उछाला और वो यहाँ आकर गिरी। हाँ, आप मुझ पर गुस्सा तो नहीं है ना? मैं जो होता है उसे भूल जाता हूँ। चलो उसे ले आते हैं। कैसे ले आएंगे? आप वहाँ अंदर नहीं जा सकते, ये डूम की एम्बेसी है, यहाँ पर कोई कायदे कानून नहीं होते। उसने अभी अभी एक मिसाइल न्यूयॉर्क के रास्ते पर दागा है और ऐसा करके उसने कानून की धज्जियाँ उड़ाई है। ओ, जब मैं आपकी शील्ड के साथ खेल रहा था ना तो मैं। हमें होशियार रहना होगा, किसे पता उसके दस्ते में और क्या क्या है। तो क्या हम निक सर्जी की टीम का इंतजार करें? मेरी शील्ड एक खास तरह के एडामेंटियम वाइब्रेनियम एलॉय से बनी है। इसीलिए इन्हें वो शील्ड वापस चाहिए। अगर डूम के पास उस एलॉय पर रिवर्स इंजीनियरिंग करने का वक्त है तो वो अपने आर्मर को ऐसा हथियार बनाएगा जिसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ स्पाइडरमैन, आज तुम्हारी वजह से मेरे सारे सपने पूरे हुए। मुझे डूम के सपनों को पूरा नहीं करना, चलिए चलते हैं, मतलब अगर आप तैयार हैं तो। डॉक्टर डूम के पास डूम डॉग्स हैं, कितने प्यारे हैं ना? सच में वो प्यारे हैं। तुम ऊपर जाओ, मैं यहीं पर रहता हूँ। उन्हें अपने जाल में फांस लो। आपने तो मेरे मन की बात कह दी, अब देखिए मेरा कमाल। कैप्टन, कैप्टन, वाह, देखा ना आपने कैप्टन अमेरिका सर, मेरा भी जवाब नहीं। ये लड़ाई नहीं है। लड़ाई नहीं है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ये ध्यान भटकाना है, वो समय निकाल रहा है ताकि वो शील्ड पर परीक्षण कर सके। उसकी तरकीब काम कर रही है, मेरा ध्यान भटक गया है। उसका इलाज है मेरे पास। मुझे और बक्स चाहिए। क्या इससे काम होगा? उनकी रफ्तार धीमी हो सकती है। यानी कि नहीं होगा, मुझे उम्मीद थी कि ये आपके होने से बहुत आसान होगा। मुझे माफ करना, मैं सिर्फ सब होना चाहता था। हाँ मैं जानता हूँ, कितना हल्का फुल्का है ना। कौन तला फुल्का है? वो हमारे पीछे ही है। उन पर ध्यान मत दो, वो हमारे दुश्मन नहीं है। अगर इन डूम बॉट्स में से एक असली डॉक्टर डूम होगा जो डूम बॉट होने का नाटक कर रहा होगा तो ऐसा करना कभी भी आसान नहीं। कभी भी नहीं? क्या अब इन पर ध्यान दे सकता हूँ? जाल फैलाओ और भागो। भागो? क्या सच में? लड़ाई को जानो। लड़ाई को जानो? एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी स्कूल में हूँ और आप मुझे।
यहाँ भी नहीं है। वाह क्या बात है, पर सच ये है कि हमें थोड़ी जल्दी करनी होगी। कमाल है, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, डालस, क्लीवलैंड, डूम ये एम्बेसी हम पर आक्रमण करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सच? क्लीवलैंड क्यों? ओ, रहने दीजिए, ये लोग पहुंच गए। ये आपने कैसे किया बब? इसमें लिखा है डूम बॉट मास्टर कंट्रोल, लैटवेरियन भाषा में, टूल बॉक्स के अंदर के औजार। जी हाँ बच्चों, स्कूल में रहो, लैटवेरियन सीखो और दुनिया को बचाओ। अब आगे क्या? छत। छत? डूम भागने की कोशिश कर रहा है, उसके पास आपकी शील्ड है। आज का दिन डूम डॉग्स के नाम। कैप्टन, आपके पास कोई प्लान है क्या? हम डूम को किसी भी कीमत पर रोकेंगे। गुड डॉगी। नहीं डॉक्टर डूम, तुम यहां से नहीं भाग सकते। क्या तुम्हें पता नहीं बाहर जाते वक्त पालतू जानवर को घर पर रखने होते हैं? कैप्टन, लड़ाई को जानिए। जाने की बड़ी जल्दी है। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है डूम। तुम मेरी एम्बेसी में मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये लैटवेरियन जमीन है। तुम जमीन पर खड़े नहीं हो, तुम अमेरिकन एयर स्पेस में हो। अब बोलो तुम क्या कहते हो। देखे तो इससे क्या होता है। कदम भी आगे मत आना। उस शील्ड पर तुम्हारा कोई हक नहीं है डूम। मैं जानता हूँ ये क्या है और तुम्हारे लिए इसकी कितनी अहमियत है। ऐसा होते हुए तुमने उसे एक नादान बालक के हाथों दिया कैसे? हाँ नादान बालक, मेरी तरफ उंगली उठाने से पहले जरा खुद के दामन में झांक कर देखो। रहने दो। दरअसल ये मेरे बारे में है ही नहीं, तुम तैयारी कर रहे थे अमेरिका पर हमला करने की। तुमने अमेरिका के दुश्मन के हाथ वो चाबी दी जिससे मैं पूरी दुनिया पर अपना निशान लगा सकूं। तुम्हारा निशान? एक सेकंड रुको, हम एक सौदा करते हैं। तुम हमें शील्ड दे दो, फिर तुम अपने डूम मोबाइल में बैठकर अपने डूम विला वापस लौट सकते हो। ये कैसी रणनीति है? वो हमें शील्ड वापस करेगा और चला जाएगा, फिर हम दुनिया से ये नहीं कहेंगे कि एक नादान बालक और बिना ढाल के कैप्टन अमेरिका ने कुछ ही मिनटों में इसे हरा दिया और इसका घमंड भी तोड़ दिया। डॉक्टर डूम होने का मतलब होता है बहुत सारी शोहरत, है ना? उसके बिना तो तुम बस यूं ही कोई यहाँ वहाँ घूमते फिरते आम आदमी जा रही हो। डॉक्टर डूम, अब एक आखिरी मौका। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हें तबाह कर दूंगा। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा, आज मैंने एक अच्छी बात सीखी और वो सबसे बड़ा सबक ये था कि अपनी लड़ाई को जानो। तो ऐसा है कि तुम हमसे लड़ रहे थे पर हम तुमसे लड़ नहीं रहे थे, हम तो सिर्फ तुमसे बच रहे थे। हम बच रहे थे। इस माइक्रोफोन की वॉल्यूम को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब तो तुम्हें शील्ड लौटा देनी चाहिए। रख लो, मेरे प्लान में ऐसे खिलौनों के लिए जगह नहीं है। अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है।
बड़े शख्स मेरी अंदर की वाले मुझे रात होने से पहले छुड़ा लेंगे। बहुत खूब लड़े। क्या मैं आपका चेला बन सकता हूँ? तुम अच्छे हो पर चेले वाली बात हजम नहीं हुई। हिसाब बराबर। हिसाब बराबर? एक मिनट, कहीं मेरी स्पाइडी बाइक को खरोच तो नहीं आई ना? डूमबॉट डॉगीज? नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा। और तुमने डॉक्टर डूम को खदेड़ दिया सच में? हाँ, और वो कह रहा था कि तुमने मुझे सिर्फ इत्तेफाक से पकड़ा, वरना तुम मेरी चतुराई का सामना नहीं कर सकते। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि ठीक है, जैसा तुम समझो। पर तुम लोगों ने आज कुछ अच्छी चालें सीखी हैं, क्यों है ना? देखते हैं, अपनी लड़ाई को जानो और हमारी शक्ति टूल बॉक्स में से कई औजारों में से एक नहीं, है। और मेरा मतलब दूसरों की चीजों को हाथ न लगाने से था। वरना इत्तेफाक से तुम कहीं किसी सिरफिरे से दुनिया को बचा ना लो। ठीक है ठीक है, वैसे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं मजाक होती हैं? हे फिल, क्या आप मेरी शील्ड को छूना चाहेंगे? सच में? वाह, कितनी हल्की है। तुम में से कोई एवेंजर्स बन सकते हैं अगर खुद को किसी मुश्किल में ना डालो तो। लाइए वापस दीजिए। जो हुक्म कैप, ये लीजिए। ठीक है, मैं ही ले आता हूँ। चलो दोबारा हो जाए।